हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सर्कल पर। आज यहाँ पर हम पुलिस के विभिन्न प्रकार के पदों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा पद पुलिस में कौन सा होता है और उनकी पहचान कैसे करते हैं और उनकी पावर के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे जूनियर यानी निम्न स्तर का पद होता है वो हमारा पुलिस कांस्टेबल का होता है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से उसका बैच होता है, यानी कि उस पर प्लेन पट्टी होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टार वगैरह नहीं होता है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि भारत के पुलिस फॉर्म में पुलिस कांस्टेबल सबसे कम रैंक रखता है, जिसके बाद सीनियर कांस्टेबल आता है। समान कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करती है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि इसके बाद किसका पद आता है। तो इसके बाद हमारा पद आता है सीनियर कांस्टेबल का। सीनियर कांस्टेबल अपनी आस्तीन पर दो पॉइंट डाउन शेरवान पहनते हैं, यानी कि जो आप ये देख पा रहे हैं ये हमारी दो पट्टियाँ हैं, इन्हें शेरवान बोलते हैं, जो डाउन तरीके से होती हैं। ठीक है, जिसका रंग रेड भी हो सकता है और व्हाइट भी होता है, यूपी कांस्टेबल में व्हाइट चलता है। ठीक है, तो हम ऐसे पहचान करेंगे सीनियर कांस्टेबल की। अब अगला जो हमारा है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ सीनियर जो कांस्टेबल था उसमें दो शेवरॉन थे, इसमें तीन शेवरॉन होते हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल की मैं थोड़ा पावर की बात मैं करता हूँ। तो जो भारतीय पुलिस में हेड कांस्टेबल अन्य देशों के पुलिस बलों में हवलदार यानी कि सर्जेंट के बराबर होते हैं। आप समझ गए होंगे कि जो हमारे हेड कांस्टेबल होते हैं वो अन्य देशों की पुलिस में हवलदार यानी सर्जेंट के बराबर होते हैं। चलिए अब अगली चर्चा करते हैं कि हम इसके ऊपर कौन सा पद आता है। तो इसके ऊपर जो पद आता है वो हमारा ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद होता है। आपने कई बार देखा होगा कि वन स्टार ये कौन सा पद होता है, तो उसे हम लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत की पुलिस बलों में एक सहायक उप निरीक्षक यानी कि ASI एक गैर राजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड पुलिस अधिकारी होता है। वह एक जाँच अधिकारी भी हो सकता है, हालांकि ज़्यादातर इंस्पेक्टर या पुलिस उपाधीक्षक को जाँच अधिकारी बनाया जाता है। ASI अक्सर पुलिस चौकी या फेरी और जांच केंद्रों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो रैंक ऑफिसर है वो होता है SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। एक सब इंस्पेक्टर कुल पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है और पुलिस चौकी का प्रभारी होता है, यानी कि आप पुलिस चौकियाँ जो होती हैं उनका अकेला यही सबसे सीनियर अधिकारी होता है। वह पुलिस फॉर्म में सबसे कम रैंक वाले अधिकारी में से है जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दायर कर सकते हैं और आमतौर पर पहले जाँच अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि SI एक तरीके का अधिकारी लेवल यहाँ से शुरू होता है, सब इंस्पेक्टर से। कई राज्य सरकार इसकी डायरेक्ट भर्ती निकालती है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी इसकी डायरेक्ट भर्ती अभी आनी है, और इसके बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही SI का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी छोटी छोटी न्यूज़ आप तक हम जल्द से जल्द पहुँचा सकें, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद में जो हमारा 10वीं रैंक होती है वो होती है पुलिस इंस्पेक्टर की। ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर आप जानते ही होंगे कि एक थाने में एक होता है, जिसे हम SHO भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह आमतौर पर एक थाने के प्रभारी अधिकारी होते हैं। भारत के एक पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर उच्च कमान अधिकारी होता है, जिसे जैसा कि मैंने अभी बताया भी आपसे। इंस्पेक्टर का पद सब इंस्पेक्टर के पद के ऊपर होता है और DSP से नीचे होता है। ठीक है, और चलिए इसकी पहचान कैसे करते हैं। इसकी पहचान हम कर सकते हैं कि इसमें 3 स्टार होते हैं। ठीक है, और नीचे दो पट्टियां लगी होती हैं लाल और नीले रंग की, जिसमें कि लाल पट्टी ऊपर और नीली पट्टी नीचे होती है। ठीक है, चलिए अगला अधिकारी हम देख लेते हैं। तो अगला अधिकारी होता है DSP। DSP का फुल फॉर्म हो गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो इसकी पहचान हम करेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का रैंक प्रतीक चिन्ह, जिसमें कि 3 तारे यानी 3 स्टार होते हैं, अगर किसी पुलिस अफसर के कंधे पर लगी पट्टी के सिर्फ 3 स्टार हैं तो समझ जाइए कि यह DSP रैंक का पुलिस अफसर है, यानी कि सिर्फ 3 स्टार, किसी भी प्रकार की पट्टी नहीं, ओनली 3 स्टार हैं, तो आप समझ जाइए कि यह DSP है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा इसके पावर के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा DSP होता है, जिनका संबंध प्रांतीय पुलिस बलों से होता है, एक रैंक या आप इससे सीधे प्रवेश करते हैं तो स्टेट पुलिस सर्वाइव कमीशन के एग्ज़ाम को पास करके या कुछ सालों तक इंस्पेक्टर के पद पर काम करने के बाद पदोन्नत होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि DSP के ऊपर होता है जो हमारा अधिकारी, वो होता है ASP यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसको हम पहचान कैसे करेंगे, तो ये जो हमारा एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, इनके कंधों पर बंधी पट्टी के ऊपर राष्ट्रपति यानी कि जो हमारा सत्यमेव जयते का जो शाइन होता है, यानी कि नेशनल एम्ब्लम होता है, जिसमें कि कोई तारा नहीं होता है, यानी कि सिंपल होगा नेशनल एम्ब्लम लगा होगा जो हमारा सत्यमेव जयते का साइन होता है। ऐसे हम पता लगाएंगे कि हमारा जो ASP अधिकारी है ये यही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। इसके पावर के सभी IPS अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं।
राज्य के अंडर अधिकारी इस रैंक को नहीं रख सकते हैं, वे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक रखते हैं जो इस रैंक के बराबर हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा रैंक का है वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। एसपी तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक सितारे के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि वन स्टार के साथ सत्यमेव जयते का साइन, जिसे देख के आप जान सकते हैं कि हमारा ये अधिकारी एसपी है। पुलिस अधीक्षक एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को ही पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। राज्य पुलिस सेवा या भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी होते हैं। वे भारत में गैर महानगरीय जिलों के जिला प्रमुख होते हैं। वे जिले के एक बड़े शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जहां एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी जिला प्रमुख होता है। चलिए आप जान लेते हैं एसपी के ऊपर जो पद होता है वो किसका होता है। एसपी के ऊपर जो पद होता है वो एसएसपी का होता है यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वो क्या था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसकी पता कैसे लगाएंगे यानी कि इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो जो हमारा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी जो होता है वो दो सितारों के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम, आप समझ रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको कि यह जो साइन है टू स्टार के ऊपर होगा, जो हमारा सत्यमेव जयते का साइन होगा उसे हम एसएसपी बोलते हैं। ठीक है, आप जान लेते हैं कि एसएसपी के ऊपर कौन सा होता है। एसएसपी के ऊपर होता है डीआईजी यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसकी हम पहचान डायरेक्ट सिंपल तरीके से करेंगे, थ्री स्टार के ऊपर नेशनल एम्बलम। ठीक है, ऐसे हम पहचान सकेंगे कि यह हमारा डीआईजी ऑफिसर है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि डीआईजी के ऊपर कौन सा पद होता है, जो कि होता है आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, एक स्टार के साथ में क्रॉस तलवार और डंडा होता है। आईजी रैंक के अधिकारी भी डीजीपी और एडीजीपी की तरह अपने कॉलर पर गॉर्गेट पैच पहनते हैं, जिसे आप गोलियों के साइन का समझ सकते होंगे, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनी होती है और उसकी पृष्ठभूमि नीले गहरे रंग की होती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि वन स्टार के साथ ये जो क्रॉस तलवार है ये हमारा आईजी ऑफिसर की होती है। अगला जो हमारा आईजी से ऊपर होता है एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये सारे फुल फॉर्म भी आपको याद रखने होंगे, काफ़ी एग्जाम में आ जाते हैं कि एडीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर जान लेते हैं कि एडीजीपी का जो होता है उसको हम पहचान कैसे करेंगे। इनके कंधों पर बंधी पट्टी पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के साथ यानी नेशनल एम्ब्लेम के साथ क्रॉस तलवार का डंडा होता है। एडीजीपी रैंक के अधिकारी भी अपने कॉलर पर जॉर्ज पैट पहनते हैं, जिस पर पत्ती जैसी संरचना बनी होती है, जिसकी नीले गहरे रंग की पृष्ठभूमि होती है, यानी कि जो नीला गहरा रंग होती है उसकी पृष्ठभूमि रहेगी। तो एडीजीपी के ऊपर जो पद होता है वो हमारा एसडीजीपी यानी स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान करेंगे जिसमें कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में क्रॉस तलवार और डंडा होता है, साथ में डंडा मिलेगा। एसडीजी रैंक के अधिकारी भी अपने कॉलर पर जॉर्जेट पैड पहनते हैं। ठीक है, जो हमारा एसडीजीपी के ऊपर जो पद होता है वो किसका होता है पद, वो होता है डीजीपी का पद होता है, यानी डीजीपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सबसे बड़ा पुलिस का जो पद होता है वो डीजीपी का ही होता है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का प्रतीक चिन्ह यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम के साथ में क्रॉस तलवार और डंडा होता है। प्रतीक चिन्ह यानी इंसिग्निया को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इस पुलिस ऑफिसर की क्या रैंक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि डीजीपी के बारे में, क्योंकि यह सबसे बड़ा रैंक होता है। तो सुनिए, डीजीपी किसी भी राज्य का यूनियन टेरिटरी के पुलिस फोर्स का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि डीजीपी जो होता है सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है, इसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, यह पूरे राज्य के पुलिस का हेड होता है, जिसकी वजह से इसे स्टेट पुलिस चीफ भी कह देते हैं यानी एसपीसी भी बोलते हैं। चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज सर्कल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।